पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अभी तक आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग के सुरक्षा कर्मी कार्य करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अग्नि सचेतक गांव-गांव बनाने का कार्य किया जा रहा है। अग्निशमन विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग भी इस कड़ी में तेजी के साथ कार्य करते हुए उसने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है और मुरादाबाद प्रदेश का एक ऐसा विभाग बन गया है जो समय से पहले ही अपनी कार्य योजना को पूरा कर चुका है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए 839 अग्नि सचेतक बनाकर मुरादाबाद जनपद ने यूपी में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी विभागों को 100 दिन की कार्य योजना सौंपी गई है, जिसमें मुरादाबाद ने समय से पहले ही उसे पूरा कर लिया है। मुरादाबाद के अग्निशमन विभाग ने गांव-गांव जाकर अग्नि सचेतक बनाए हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि विभाग ने ब्लॉक स्तर पर पहुंचकर अग्नि सचेतकों को ट्रेनिंग दी है और उन्हें विभाग की ओर से एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है, जो आगामी सुरक्षा कर्मियों को नौकरी में लाभप्रद साबित होगा। आपको बता दें कि विभाग के द्वारा लगभग 800 अग्नि सचेतक बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके एवज में 839 अग्नि सचेतक बनाकर मुरादाबाद ने एक आयाम हासिल किया है। लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो मेरा सेवा का अनुभव है, 24 साल सेवा है, तो अग्निशमन विभाग का इतना ज़्यादा कोई मतलब पहचान नहीं थी, आवश्यकता लोग महसूस नहीं करते थे, लेकिन इस सरकार में ये जो कदम उठाया गया है, इससे पहले शायद कोई कदम नहीं उठाया गया होगा, क्योंकि जो इंसिडेंट हैं फायर के वो बहुत बढ़ रहे हैं। कम रिसोर्स में हम और भी अच्छा कार्य कर सकें, ये हमारी सरकार ने किया है। इसमें निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे यूपी में ब्लॉक्स हैं, 800 कुछ ब्लॉक्स हैं, प्रत्येक ब्लॉक्स में 100-100 वॉलंटियर्स अग्नि सचेतक स्वयंसेवी का नाम दिया गया है उसमें, और पहले जो 100 दिन की कार्य योजना में अग्निशमन विभाग के द्वारा, ये बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य नहीं है, ये अपने देश की, अपने स्टेट की जो आग से बचाव के संबंध में बहुत बड़ी पहल होगी मैं समझता हूँ। और मुरादाबाद में जो हमारे 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक में हमको टारगेट 800 वॉलंटियर्स का अग्नि सचेतक के तहत निर्देश दिए गए थे, वो हमने बहुत ही जल्दी पूर्ण कर लिए हैं, और हमारे द्वारा 800 के सापेक्ष 839 जो वॉलंटियर्स हैं अग्नि सचेतक योजना के, हमने ये कार्यवाही जो संबंधित ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनके सहयोग से हमने गांव के जो निवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जिनको हमारी ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते, और उनको अगर कोई आग लगती है उनको कुछ उसका प्रॉपर जो उनकी क्षति होती है उसकी भरपाई भी नहीं हो पाती है, तो एक बहुत अच्छी पहल है। तो हमने ब्लॉक लेवल पर जो जैसे ब्लॉक सदर में हमने ट्रेनिंग दिया है, मुंडा पांडे में दिया है, भगतपुर में दिया है, डिलारी में दिया है, ठाकुर द्वारा में दिया है, बिलारी कुंदर की, तो इस प्रकार छजलेट हमने सभी ब्लॉक में वॉलंटियर्स 100 से अधिक हमारी संख्या पहुंच गई है, और काफ़ी लोग उत्सुक भी हैं, क्योंकि ये जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये ट्रेनिंग अभी इतनी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी, हम लोग अपने तरीके से काम करते थे, खुद हम ही करने वाले होते थे, अगर इस ट्रेनिंग से कहीं ना कहीं अगर कहीं आग लगी है तो इस तरह के जो वॉलंटियर्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर आग कोई लगती है तो वो प्रॉपर्टी ही नहीं, वहाँ के लोगों की जान को, जान की जोखिम को कम करने में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होंगे, तथा अवेयरनेस बढ़ेगी कि हर नागरिक जब भी कहीं ऐसे संस्थानों में जाए, उसमें चाहे बच्चों का एडमिशन हो, कुछ भी हो, तो अगर इस बात को हम टच करेंगे तो एक हमारी मानसिकता उसी तरह की तैयार होगी, और वो इसको औपचारिकता नहीं समझेंगे कि फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं एक औपचारिकता है, उसको एक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझेंगे। जैसे ट्रैफिक के, हम वाहन चलाते हुए ट्रैफिक के नियम का फॉलो करते हैं, लोग कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब मौत आएगी तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा, ये मिथ्या है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को इस आधार पर काम करेंगे तो नियम कायदे कानून कुछ नहीं होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब जब आग लगती है तो सिस्टम काम नहीं करते हैं, मैं कहता हूं शायद उन लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है, सिस्टम वो इसी प्रकार बनाए जाते हैं कि अगर बिजली भी भाग जाए वो तब भी काम करते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।